चुनाव की सरगर्मी जोरों पे है। जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। जनसंपर्क हो रहा है, पदयात्रा हो रही है, उनके पक्ष में स्टार प्रचारकों की रैलियां हो रही हैं। आज हम एक उम्मीदवार के साथ हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, क्या क्या करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं और उनके विचार क्या हैं, राजनीति में आने का मकसद क्या है। जी हाँ, मेरी मुराद है संजय सेठ से, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं रांची लोकसभा सीट से। संजय सेठ जी, आपका स्वागत है। इस आधे घंटे के कार्यक्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कितनी शिक्षा दीक्षा ली है, आपके विचार कैसे हैं। सबसे पहले संजय सेठ, एक परिचय। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और क्षेत्र की जनता के साथ उनके सुख दुख में हाथ बटाना और ये कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने प्रदेश के प्रति ये जिम्मेदारी, एक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का मेरा मकसद रहा है। उम्मीदवारी को लेके काफी संशय था, संजय जी आपको टिकट मिलेगा कि आदित्य साहू जी को मिलेगा कि अमिताभ चौधरी जी को मिलेगा कि रामटाल चौधरी जी को मिलेगा। एक अचानक संजय सेठ को भरे और संजय सेठ के हाथ में समा दी गई उम्मीदवार। देखिए, पहले धन्यवाद जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे साथ खिलाड़ी के रास्ते में हो। हमको खिलाड़ी पहुंचना है क्योंकि 4 बजे सभा हेमा मालिनी जी की है और मैं भी जल्दबाजी में हूँ। आप मेरी गाड़ी में बैठे हो तो न्यूज़ 11 परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अहम जानकारी हमारे क्षेत्र की जनता को, मेरे निजी जीवन की जानकारी देने का प्रयास किया। मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। आपने कहा कि टिकट किससे मिलेगा, मैं तो पलामू का प्रभारी था और उस दिन बीडी राम जी का मैं नामांकन प्रक्रिया में था, उनका नामांकन करा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा चल रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसी समय फ़ोन आते हैं, टीवी में फ्लैश होता है और मैं हतप्रभ रह जाता हूँ कि मुझे, मेरे को एक प्रतिशत एक पैसा भी विश्वास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सबसे बड़ा दल है और झारखंड की राजधानी रांची से एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दे दे। मैं हतप्रभ था लेकिन एक गर्व भी महसूस हो रहा था कि एक भारतीय जनता पार्टी, एक राजनीतिक दल जो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकता है, एक राजनीतिक दल जो खलासी के बेटे को, एक मजदूर को मुख्यमंत्री बना सकता है, तो एक कार्यकर्ता है, एक छोटे से कार्यकर्ता को झारखंड की राजधानी रांची से उस टिकट दे दे, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। संजय जी, ऊपर वाला सबकी मुरादें पूरी करता है, आपकी मुराद पूरी होती है, रांची के सांसद आप बन जाते हैं अगर, तो रांची के लिए आप क्या करेंगे ये हम चाहते हैं कि लोग जानें। पहला, मैं रांची की दमदार आवाज बनूंगा अगर आपका आशीर्वाद मिला तो। दमदार आवाज कि वहाँ दिल्ली में खाली संसद में जाना, पीछे बैठना, सुन के चले आना, वो काम नहीं होगा। संसद में कैंटीन में खा लेना, ये मेरा काम नहीं होगा। मेरा काम होगा संसद की बैठकों में भाग लेना, मंत्रालयों में जाना, IAS ऑफिसर से बात करना, सेक्रेटरी से बात करना, जो 21वीं शताब्दी में जो विकास हो रहा है, उन वो विकास जो हिंदुस्तान के बड़े शहरों में हो रहा है, उस विकास को रांची की धरती में उतारना, ये संकल्प है। दूसरा कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एजुकेशन हब बने रांची में, स्कूलिंग हब तो है ही है, और बढ़िया, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, स्कूलिंग हब और बड़ा बने, हायर एजुकेशन के लिए और संभावनाएं हैं, और जो हमारे बच्चे पलायन कर जाते हैं कोटा, जयपुर, बेंगलोर, पुणे, तो मेरा यह प्रयास होगा कि हम यहाँ पे सुविधा दें, जो स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको रांची लाएं और बड़ा हब बनाएं। हब बनेगा तो रांची का नाम भी बढ़ेगा, यहाँ की आबो हवा भी अच्छी है, तो हमारे बच्चे हमारे अपने माता पिता के साथ रहकर यहाँ कोचिंग करेंगे, यहाँ स्कूलिंग करेंगे, यहाँ हायर एजुकेशन में भाग लेंगे। मेरी इच्छा यही है, सबसे पहला काम मैं एजुकेशन के क्षेत्र में करूँगा। दूसरा, पर्यटन की खूब संभावनाएं हैं, इतना जलप्रपात, इतनी हिल्स, इतनी ग्रीनरी, अरे भाई साहब, कश्मीर के बाद, शिमला के बाद कहीं है तो रांची के अंदर है। मैं टूरिज्म को एक बड़ा इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करूंगा, देश भर से एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा कि भाई आओ रांची, मैं अपने घर में ठहराऊंगा, होटल में ठहराऊंगा,
मेरे घर में रोकी सोखी खाना और देखना मेरे यहाँ टूरिज्म कैसे हो सकता है। तो संजय सेठ जी, बहुत व्यस्तता है, बहुत कार्यक्रम आप कर भी चुके हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आप कर भी रहे हैं। राजधानी रांची के लिए कई बार बातचीत हुई है, स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन राजधानी रांची उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रही है, आपका विजन क्या? देखिए, कंक्रीट का जंगल जो बन रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैंने कहा ना पूर्व में कि यहाँ हर मोहल्ले में तालाब होते थे, वो तालाब क्यों भर दिया गया? आज से नहीं, पिछले 20 साल से भरा जा रहा है। क्यों भर दिया गया और इसके लिए कौन दोषी, कौन अफसर दोषी है? मैं तो इसके खिलाफ हूँ। अगर जो भी तालाब भरना नहीं, एक इंच भी किसी ने मिट्टी गिराई, मैं वहीं बैठ जाऊंगा धरने पे। पहले मेरे को गिराओ तालाब में, तब मिट्टी भरना। भैया, आबो हवा मत बर्बाद करो, कंक्रीट का जंगल मत बनाओ, रांची को रांची रहने दो, खूबसूरत रहने दो। और यही खूबसूरती रांची की, क्लाइमेट, यहाँ के लोग, जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, अच्छे व्यापारी, अच्छे मजदूर, ईमानदार मजदूर, ये खूबसूरती है जलवायु है, ये खूबसूरती है रांची की। तो मैं तो पहले तालाब खुदवाऊंगा, जहाँ तालाब छोटे हैं उसको बड़ा करवाऊंगा, तालाब का इंक्रोचमेंट हटवाऊंगा, ताकि यहाँ की खूबसूरती बढ़े। और साथ साथ में मेरा यह मानना है, रांची नगर माने फिरालाल से सही चौक, फिरालाल से पिस्का मोड़, फिरालाल। तो ये थे संजय सेठ जी, जो NDA के उम्मीदवार हैं रांची संसदीय सीट से, और उनकी निजी जीवन के कुछ अनछुए छुए पहलुओं पर हम आज रोशनी डाल रहे थे, ताकि आप समझ सकें कि आपका जो जनप्रतिनिधि बनने का दावा कर रहा है वो कैसा व्यक्ति है। तो फिलहाल कैमरामैन अरविंद के साथ बैक टू द स्टूडियो।